आज हम आपके अपने इंग्लिश बाबा चैनल में पढ़ने वाले हैं नोटिस राइटिंग, जो कि क्लास 11th और क्लास 12th की राइटिंग सेक्शन में पूछा जाता है 4 नंबर का। तो जल्दी से देख लो एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा। यू आर अर्णव ऑब्लिक अरुणा, क्वेश्चन में दे दिया उसने आप अर्णव हो या अरुणा हो, मतलब अगर आप बॉय हो तो आप लिख देना अर्णव, गर्ल हो तो लिख देना अरुणा। असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल थिएटर सोसाइटी, तुम कौन हो? अपने स्कूल के असिस्टेंट सेक्रेटरी हो। कौन से सोसाइटी के? थिएटर सोसाइटी। अब थिएटर सोसाइटी क्या होता है? जिसमें ड्रामा नाटक वगैरह ये सब होता है। ड्राफ्ट अ नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स गिविंग डिटेल्स ऑफ एन ओपन ऑडिशन फॉर वेरियस रोल फॉर द एनुअल डे ड्रामा। तुम्हारे स्कूल में क्या होने वाला है? एनुअल डे ड्रामा यानी एनुअल डे फंक्शंस होने वाला है। उसके लिए आपको एक नोटिस लिखना है कि जो भी बच्चे ऑडिशन देना चाहते हैं अलग अलग रोल्स के लिए वो दे सकते हैं। और यू स्टडी इन माता हरी पब्लिक स्कूल मेरठ। अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन को समझना बहुत बहुत जरूरी है। क्या समझा? हमें दे दिया अर्णव या अरुणा, क्या दे दिया? असिस्टेंट सेक्रेटरी दे दिया, ठीक है। 50 वर्ड से कम वर्ड्स में लिखना है, चाहे वो दे क्वेश्चन में या ना दे, ठीक है। ऑडिशन, और यहां पे दे दिया माता हरी पब्लिक स्कूल। तो जब भी आप आंसर लिखोगे सबसे पहले आप इंस्टीट्यूशन का नाम लिखोगे, जैसे मैंने यहां पे लिखा है माता हरी पब्लिक स्कूल मेरठ, सबसे पहले नाम लिख दिया बड़ा बड़ा, ठीक है। उसके बाद आप नोटिस लिखोगे कैपिटल लेटर में NOTICE, जैसे मैंने यहां लिखा है। फिर आप लेफ्ट में डाल देंगे डेट। फिर अब जो भी उस नोटिस का मेन हेडिंग है, अब देखो इस नोटिस का मेन हेडिंग क्या है, आपको क्या लेना है? ओपन ऑडिशन फॉर वेरियस रोल्स। देखो कोई भी चीज मैं बाहर से नहीं लिख रहा, सब मैं क्वेश्चन से उठा रहा हूं। ऑडिशंस फॉर एनुअल डे ड्रामा उठा लिया। अब इसी बात को हमें फॉर्मल वर्ड्स में लिखना है, कम से कम शब्दों में। ऑडिशंस फॉर द ड्रामा टू बी परफॉर्म्ड ऑन एनुअल डे, जो ऑडिशंस हैं ड्रामा के लिए वो होने वाले हैं किसके लिए? एनुअल डे फंक्शंस के लिए। विल बी हेल्ड इन आर स्कूल ऑडिटोरियम, और वो जो ऑडिशंस होंगे हमारे स्कूल के ऑडिटोरियम में होंगे। कितने बजे होंगे? 11 बजे होंगे। अब बच्चा कहेगा सर यहां पे तो टाइम लिखा नहीं था। अरे यार ये सब चीजें तुम्हें अपनी तरफ से बना देनी है, 11 बजे 12 बजे 1 बजे जो तुम्हारा मन करे। हाँ लेकिन शाम के 6 बजे मत लिख देना, क्योंकि शाम के 6 बजे कोई स्कूल नहीं चलता। एट 11 AM ऑनवर्ड्स ऑन 6 जनवरी, ठीक है। यहां पे आपने डेट डाल दी कि इस पर्टिकुलर डेट को ऑडिटोरियम में वो होंगे ऑडिशन। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लासेस 8th to 12th, अब यहां पे आप लिख सकते हो, मैंने यहां पे क्लास 8th से लेकर 12th तक लिख दिया, तुम चाहो तो क्लास 6 to 12 लिख सकते हो, 6 to 8th लिख सकते हो। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स जो कि क्लास 8th से लेकर 12th तक के होने चाहिए कैन पार्टिसिपेट इन द ऑडिशन। तो यानी कि एक चीज और क्लियर कर दी कि इस ऑडिशन में केवल जो स्टूडेंट्स 8th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फॉर अदर डिटेल्स कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड। अब देखो ये लाइन मेरे भाई रट लो, फॉर अदर डिटेल्स कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड। किसी भी तरह का नोटिस आए, अब अंडरसाइंड में यहां पे ऑलरेडी हमें दिया गया था अर्णव या अरुणा, यहां पे हमने लिख दिया अरुणा शाह, और ये कौन है? असिस्टेंट सेक्रेटरी थिएटर सोसाइटी। यहां पे भी ये दिया हुआ था हमें, अगर आप यहां पे देख रहे हो तो थिएटर सोसाइटी, ये आपको दिख रहा है थिएटर सोसाइटी, ठीक है। इसके जो कौन थे? असिस्टेंट सेक्रेटरी थे। और फिर ये पूरा लिखने के बाद ये आपको कर देना है पूरी तरह से बॉक्स के अंदर बंद, ठीक है। तो इस तरह से आपको नोटिस के अंदर पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।